लोकसभा चुनाव से पहले जुलाई 2023 में कांग्रेस की अगुवाई में देश के करीब 24 से अधिक राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी का मुकाबला करने के लिए एक गठबंधन बनाया था, जिसे इंडिया गठबंधन नाम दिया गया। इस गठबंधन में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस सहित कई क्षेत्रीय दल शामिल हैं। इस गठबंधन के केंद्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए उभरे हैं। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव की अहमियत लगातार बढ़ती जा रही है। उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है और लोकसभा चुनावों में सपा के प्रभावशाली प्रदर्शन ने बीजेपी की रणनीति को झटका दिया है। इस सफलता ने अखिलेश यादव का कद राष्ट्रीय स्तर पर भी ऊंचा किया है। चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिला। दोनों ने मिलकर बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए दिन रात मेहनत की और इसका असर चुनावी नतीजों में भी दिखा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अन्य विपक्षी दलों के नेताओं के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, जिससे इंडिया गठबंधन को मजबूती मिली है। 18वीं लोकसभा के दोनों सत्रों ने एनडीए सरकार को घेरने में इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। सरकार की नीतियों और निर्णयों के खिलाफ उनकी मुखरता के कारण एनडीए के सांसद भी उन पर तीखे हमले करते रहे हैं। बावजूद इसके अखिलेश यादव की नेतृत्व क्षमता और उनकी पार्टी की यूपी में मजबूत पकड़ ने उन्हें इंडिया गठबंधन के लिए एक मजबूत स्तंभ बना दिया है। बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी के साथ भी अखिलेश यादव के अच्छे संबंध हैं, जिससे इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। 18वीं लोकसभा के सत्रों के दौरान अखिलेश यादव ने सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर मजबूती से आवाज उठाई और इसमें अन्य राजनीतिक दलों का भी उन्हें समर्थन मिला। अखिलेश यादव की यह सक्रियता और राजनीतिक सूझबूझ उन्हें इंडिया गठबंधन में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है और आगामी चुनावों में उनकी भूमिका और भी अहम हो सकती है।